चलते चलते चैनल में आज एक घातक लाइलाज और बहुत ही भयंकर रोग का मैं वर्णन करना चाहता हूं प्रिय दोस्तों। इस रोग का नाम है प्रिय दोस्तों अभिमान, गुरूर, घमंड, अहंकार। हमारे धार्मिक ग्रंथ बाइबल में तो इसको एक पाप कहा गया है और उसमें व्याख्या की गई है कि अपने पतन से पहले व्यक्ति यह पाप करना शुरू कर देता है। प्रिय दोस्तों, आपको मैं यह ज्ञात कराना चाहता हूं कि जिस दिन आपको यह रोग लगता है उसी दिन आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है। आपके संबंध धीरे धीरे टूटने शुरू हो जाते हैं और आपके रिश्तों की मजबूती ढीली पड़ जाती है। आपको कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, आपकी सहनशीलता खराब हो जाती है, आप में कड़वापन भर जाता है, आप एक बैड लिसनर बन जाते हैं और अनटीचेबल हो जाते हैं। लोग आपसे कतराना शुरू हो जाते हैं। इसका कुप्रभाव आप पर और आपके परिवार पर पड़ता है। कई बार तो आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आपकी मानसिक और शारीरिक बीमारियों का कारण यही निकलता है। मैं क्षमा चाहता हूं प्रिय दोस्तों यह कहना कि कभी तो आप लोगों के हरमन प्यारे होते हैं, लेकिन आपके अभिमान के झंडे से लोग इतना डर जाते हैं कि वो आपका नाम तक नहीं लेते और आपकी शक्ल तक भूल जाते हैं। अपने जीवन में आप बस आप ही आप होते हो, आपके साथ कोई नहीं रहता। तो आइए प्रिय दोस्तों, आज इस विचार को पकड़े, अभिमान को छोड़े, नम्रता को अपनाएं और अपने जीवन में झुक जाएं। धन्यवाद प्रिय दोस्तों।